ताज़ा खबरों की ओर। योगी सरकार में 80 वर्ष के संत महात्मा पर हमला। संत मंजीत गिरी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि 3 अगस्त को मोहल्ला बिजलीपुरा का रहने वाला गोपाल अपने साथियों के साथ तमंचा लेकर आया और हमें मारा पीटा और हमारे 700 रुपये छीन लिए। साथ में धमकी दी कि अगर यह यहाँ से मकान छोड़कर नहीं गया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। 80 साल के बुजुर्ग महात्मा ने हमारे संवाददाता को बताया कि कोतवाली पुलिस सुनने को तैयार नहीं और हम इधर उधर अधिकारियों के चक्कर लगाकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जाएं तो कहाँ जाएं, गोपाल आए दिन शराब पीकर आता है और हमें धमकाता और हमारे यहाँ रखी सामग्री तोड़फोड़ कर देता है, परंतु पुलिस सुनने को तैयार नहीं। रिपोर्टर धर्मेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा शाहजहाँपुर से, आइए खबर दिखाता हूँ आपको कि जो बहुत ही शर्मनाक है और जिसका बयान भी मैं नहीं कर सकता हूँ। एक संतों की सरकार में एक संत की जबरदस्त पिटाई हुई, लेकिन पुलिस सुनने को नहीं तैयार है। और हमारे साथ ये महात्मा जी भी उपस्थित हैं, इनके लिए हम आइए इनसे बात करते हैं और इनका क्या कहना है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि पुलिस सुनने को कहीं तैयार नहीं है। एक 80 साल के महात्मा की पिटाई होती है जबकि शाहजहाँपुर में, और प्रशासन मौन बैठा है, क्यों नहीं सुन रहा, आखिर क्या कारण है। आइए महात्मा जी से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी बताइए, आपके साथ जो मारपीट हुई है कोतवाली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत, क्या मामला था। हम गए कोतवाली, हमने कोतवाल साहब को अपनी फरियाद बताई, दरखास्त दी, उन्होंने भेजी चौकी भेजी, दरोगा आए और वो भाग गए। पहले आई है 12 नंबर की, फिर उसके बाद वो भाग गए, फिर उन्होंने पकड़ा। फिर आपको कहाँ से मारा, किस चीज़ से मारा। लाते घूसा। अच्छा, हमको मारा, इस टाइम हमारा काम हो गया। तो देख रहे हैं आप कि महात्मा जी स्वयं बयान दे रहे हैं और फिर भी पुलिस प्रशासन मौन बैठा हुआ है कि 80 साल से महात्मा की पिटाई हो रही है, लेकिन महात्मा के पास सुनने वाला नहीं है शाहजहाँपुर में। और योगी की सरकार होते हुए एक संत की पिटाई हो रही है और संत स्वयं बयान दे रहा है कि हमें मारा पीटा, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है। बाबा जी आप बताइए कि जैसे कि आप बता रहे थे कि आप कोतवाली पुलिस के पास गए और वहाँ आपको उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद उसके नाम रिपोर्ट में लिखी और एक सत्यापन चालन कर दिया और बाद में वो छूट गया, फिर उसने आपको धमकी दी, फिर मारने के लिए आया तमंचा लेकर, आप बता रहे थे, क्या ऐसा कुछ मामला है। हमें उससे खतरा है साहब। अच्छा, वो आपको जान से उससे खतरा है, क्यों, वो औरत जो है उसकी माँ, इन दोनों बच्चों की माँ, लड़कों की, बहुत डेंजर है। चार साल यहाँ मंदिर पर बैठी रही, यहाँ हमारे गुरुभाई मंदिर है, ये उनका ये कब्जा कर रही थी। उसके बाद में पुलिस ने इसको भगाया तो बिजलीपुरा गई, वहाँ हमको सताया जा करके, हमारी रेलवे की जगह सब कब्जा हमारे आगे उसने बना दी जबरदस्ती, उसी पर इसने हमको बिगैर खून कटा हमको मारा पिटवाया लड़कों। अब आपने स्वयं सुन लिया होगा बाबा जी के शब्दों से कि शाहजहाँपुर में एक संत की पिटाई हो रही है और प्रशासन मौन बैठा है, बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, इससे ज़्यादा सुनना क्या बात हो सकती है। इंडिया आज तक के धर्मेंद्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। अच्छा बाबा जी, आपका क्या नाम है। मानजीत गिरी बाबा। यहाँ कहाँ रहते हैं आप। यहाँ मोहल्ला बिजलीपुरा। वही पड़ोसी हैं वो, जो पड़ोसी हैं, दबंग हैं, गुंडे हैं, फरार हैं। अच्छा, क्या नाम उसका। एक का नाम है गोपाल, दूसरे का नाम, छोटे का नाम है सूरज। अच्छा, वो उसने आपको मारा है। घर में घुसके मारा पानी के और अच्छी, मेरे मकान पानी जा रहा है, हमने कहा अपनी रिपोर्ट दिखाओ, जा थाने में हमको भक्सो और ठेकेदार से कहो, इतने पर भी नहीं माना, हमको आकर के घर में गाली फक्करी नहीं और मारना शुरू कर दिया हमको, दे थप्पड़ दे घुका दे थप्पड़ दे घुका। सुबह 4:30 बजे की बात, फिर मैंने साहब बुलाया का 12 नंबर पुलिस, वो आई, ये भाग गए, कोई नहीं मिला। फिर मैं गया कोतवाली, वहाँ कार्रवाई करी, वहाँ से पुलिस आई मेरी चौकी की। बाबा जी आप ने SP साहब को प्रार्थना पत्र दिया, DM साहब को भी दिया, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आप इसका क्या कारण है। आप सब जगह भटक रहे हैं, दर दर ठोकरे खा रहे हैं, इसका क्या कारण है। इसका कारण ये है साहब, उसकी सुनवाई है
उसके लड़कन के साथ मुहूर्त है तो इसलिए उसकी सुनवाई हमारी सुनवाई नहीं है, है? हम सबकी तो सामने हाथ जोड़ते हैं और मैं साधु और मेरी 80 साल की उम्र तमाम हिंदू संगठन ही बने हैं, क्या आपकी सहायता नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई फलता हमारी कोई ना हमारा, लेकिन साधु होने के नाते कोई आपकी सहायता नहीं कर रहा। नहीं आता, अब छोड़ दिया। अच्छा, पुलिस ने छोड़ दिया पकड़? हाँ, दरोगा जी ने छोड़ दिया, पर कुछ नहीं किया। क्यों छोड़ दिया, क्या कारण हुआ? आपका मालूम कारण क्या है, भगवान जाने। अच्छा, आप कोतवाली पुलिस गए थे, कोतवाली थाने क्या कहा है? कोतवाली थाने गए, क्या कहा? कोतवाली थाने गए, हमने कुछ नहीं कहा।